बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह और नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ आज पोटैटो चीज़ बॉल, और बनाने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बताती चलूँ। ये है मेरे पास आलू हैं जो कि मैंने मैश कर लिए बॉईल करके। तकरीबन आधा किलो आलू थे मेरे पास, चार आलू आप कर लें। और मेरे पास मक्खन है, इसका इस्तेमाल मैं इसके अंदर फिलिंग का करूँगी। और मेरे पास ये दो अंडे हैं जिनकी जो अंदर की जर्दी है ना वो मैंने निकाल ली है दो अंडों की। और तकरीबन तीन टेबलस्पून मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, दो टेबलस्पून मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, घर में ही मैंने बनाए हैं। और ये देखें मेरे पास चीज़ है, चीज़ ये नज़र नहीं आ रही थी, हाँ जी ये चीज़ है, इतनी सी मेरे पास चीज़ है। तकरीबन तीन टेबलस्पून भर के मेरे पास चीज़ है जो मैंने क्रश कर ली है। मोज़रेला है मेरे पास, और मसाले इसमें जा रहे हैं कुछ यूँ कि ये मेरे पास थोड़ा सा धनिया है, थोड़ा सा मैंने चॉप चॉप कर लिया है, कुछ ख़ास चीज़ें नहीं है। इसमें नमक है, हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। अजीनोमोटो आपके पास नहीं है तो मैंने आपको कहा हुआ है कि आप चिकन पाउडर थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। इसमें आप तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम चिकन पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास अजीनोमोटो है, मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून ही मैं ओरिगेनो, ड्राई ओरिगेनो जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मेरे पास एक रेड चिली पड़ी थी वो मैंने चॉप चॉप कर ली है। ये ऑप्शनल है, आपका दिल करे आप डालें, ना दिल करे तो आप ना डालें। अच्छा जी, मैं सारा कुछ इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, मक्खन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मैं आलू के अंदर मिक्स करती हूँ। तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को जितने भी देखने वाले सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि रोज़ाना की आने वाली मेरी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं ग्राउंड साफ़ करती हूँ और हर चीज़ मिक्स करते हैं हम। चलें जी, अब मैं चीज़ें मिक्स कर, इमन डालो इसमें, डालें इसमें जो देखें, बाकी चीज़ें भी डाल दें। और ये भी गई। अच्छा, चीज़ भी आप ना डालें आजकल बच्चों के, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल लग गए, स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है बच्चों की, और ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चीज़ घर में नहीं है तो आप वैसे ही बना के इसको रख रहे हैं फ्रीज़र में थोड़े दिनों तक, बड़े इजी है, आप इनको रख लेंगे तो बन जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह इनको फ्रीज में हम कब करेंगे। अब मैं इसको ज़रा, मुझे लगता है मुझे हाथ से ही ना थोड़ी कुश्ती करनी पड़ेगी। पहले मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ, फिर मैं इसके अंदर अंडा भी डालती हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें दो जर्दी हैं मेरे पास, ज़्यादा थी, मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं इसको भी अच्छी तरह, पहले मैंने वैसे मिक्स कर लिया, अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। ओके जी, ये देखें मिक्स हो गया। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे, वो मैंने दे दी है, फ्रिज में मैंने रख दिया था ताकि ये नॉर्मल हो जाए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सेट हो गया। अब मैं बनाती हूँ इसके बॉल, बिस्मिल्लाह करते हैं। और इसके अंदर मैं करूँगी मक्खन की फिलिंग, ये भी ऑप्शनल है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे खाएँ, बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ। ये मक्खन जो है वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, ये देखें कुछ इस तरह, बिल्कुल ये थोड़ा सा मैंने मक्खन लिया। अब मैं इसको इसके अंदर करके, ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल है और हमारे लिए आसान है, इस तरह हम बच्चों को हेल्दी फूड जो है वो दे सकते हैं। ये देखें जी इतने ज़बरदस्त ये बन गए बॉल। इसी तरह मैं बाकी सारे जो हैं उनके अंदर भी इसी तरह मक्खन की फिलिंग करती हूँ। मक्खन को मैंने पहले से फ्रीज़ कर लिया था, मैंने इसको ठंडा यक कर लिया है ताकि मैं आसानी से इसके अंदर फिलिंग कर सकूं। अच्छा जी, ये देखें सबसे पहले तो मैं आपको ये देखें, ये जो टिकी है इनके ऊपर थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर जो है छिड़क लिया थोड़ा सा। और ये देखें आपके सामने, इसी तरह आप भी कर लीजिएगा। और मैं इसके ऊपर ना अंडा लगा रही हूँ, ना मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगा रही। जो इसके अंदर मैंने अंडे की जर्दियाँ डाली हैं बस वही डाली हैं। तो अब ये देखें ऑयल मैंने थोड़ा सा मैंने लिया है और मैं इसको कर रही हूँ शैलो फ्राई, मीडियम आंच पे दोनों तरफ से करेंगे गोल्डन ब्राउन। ये नहीं टूटेंगी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिखरेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं इंशाल्लाह। अच्छा जी, इनकी करते हैं बड़े एहतियात से, थोड़ी साइड चेंज करके देखते हैं। ये देखें अभी तक तो नहीं हुई लेकिन फिर भी मैंने साइड कर दी। देखें कितना प्यारा कलर आया अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट मक्खन वाली बनेंगी, मक्खन लगा के ये बहुत मज़े की बन गई है।
और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बच्चों की, मेरे बच्चों की तो बहुत फेवरेट है लंच बॉक्स में। आजकल स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह लग गए हैं, आप सबको पता है, तो बच्चों के लंच बॉक्स का बड़ा मसला होता है, तो बना के आप रख लें। ये फ्रिज में भी आप अगर बना के रखेंगी तो नीचे फ्रिज वाले हिस्से में भी 3-4 दिन अगर आपके फ्रिज सही काम करती है तो निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और फ्रीज़र में भी आप इसको एक कंटेनर में आप इनको बंद करके रखें तो इंशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन फ्रीज़र में रखने के लिए आपको इनके ऊपर अंडा और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। फ्रीज़र में आप ऐसे आलू वाली ही टिक्की बना के नहीं रखेंगे, अंडा और ब्रेड क्रम्स ज़रूर लगाइएगा। तो चलें ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह कलर आया है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। अच्छा जी ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गई हैं, और आप भी बना के इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। इसमें बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चे बहुत इजी खा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मिर्च मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया। घर में जो चीज़ें थी वही हैं, ओरिगेनो घर में नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल बेशक ना करें। तो बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, चाय में इस्तेमाल, चाय के साथ आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।